इमरान भाई का भी सामान आया हुआ है, आलू, और उसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं हरी मिर्चें और टमाटर, और इधर जो है हमारा सामान भी आ गया है, और उसके बाद जो है ना ये देखें चिट्टी दाल, जैसे मैंने कहा है ना कि आज हम बना रहे हैं चिट्टी दाल। हाँ जी, तो आज ये आपका पहला जो है ना वो क्या कहते हैं तजर्बा है कि चिट्टी दाल कैसे बना रही हो आजकल, पता है या नहीं है? ये ना चिट्टी दाल का कैसा जो है ना विलेज लग रहा है आपको, इस साइड से सूरज जो है ना गरूब हो रहा है। क्या लेके जा रही हो शुमला? मैं ना बच्चों का दूध लेके जा रही। किधर लेके जा रही हो? उस टोकरी में। बच्चे रो रहे हैं, आप टोकरी में रखने जा रही हो? क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत क्या ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और हमारा शाम का भी लोग जो है वो हो चुका है स्टार्ट। मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है, और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ज़रूर करना है, और वीडियो को एंड तक देखना। माशाल्लाह जी, अभी जो है ना अब सब बहन भाइयों को जो है ना अपनी शाम की जो रूटीन है वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं, क्योंकि अभी असर का टाइम भी होने वाला है और मौसम बिल्कुल क्लियर है। ये तो हल्के हल्के कहीं ना कहीं से बदल जो है ना हैं, लेकिन है बिल्कुल यानी क्लियर। और ये देखें सारा कीचड़ जो है लगा हुआ है, और घास जो है हम ले आए हैं, और इधर जो है ना वो भी घास आ गया है, और पेट्रोल जो है मशीन का नहीं था, और वो जो कबाड़ा हमने बेचा है वो कबाड़िया आया था वो ले गया है, और उसमें से जो है ना पेट्रोल ले आया हूँ, और मैंने कहा कुछ जो है ना रख दूँ ताकि बिजली का बिल जो है ना वो भी पे करना है, तो इसी वजह से जो है ना अभी चारा नहीं काटा, और अभी जो है ना बेगम साहिबा पेट्रोल डाला है बेगम साहिबा ने, तो फिर पता नहीं कहाँ चली गई है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भुजान, ठीक हो? ठीक, तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तेल लगा रहे हो इसकी गरारियों को? बारिश आई है ना, हाँ खुश्क हो गई हैं, तो मशीन जो है ना फिर शोर करती रहती है। पेट्रोल इसमें डाल दिया है? और पेट्रोल जो है अभी डाल दिया है, और अभी जो है ना ये काटेंगे, और इसके बाद कोई पता नहीं है कि आज शाम को जो है ना क्या बनाने वाले हैं, और वो भी पूछेंगे कि आज क्या बनने वाला, लेने तो नहीं जाना ना, क्योंकि वो राशन में से जो आए थे दाल वगैरह, कभी दाल खाते हैं कभी आलू खाते हैं, और वो जो है ना फिर ऐसे लगा रहता है, काम जो है ना हमारा चला रहता है, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह जी, बाकी की जो वीडियो है वो सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो का स्किप बिल्कुल नहीं करना। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना काफ़ी शाम हो चुकी है, और चलते हैं किचन में देखते हैं कि आज जो है ना क्या बनाया हुआ है, कुछ बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। ये देखें सूरज जो है बिल्कुल ग़ुरूब होने के करीब हो चुका है, और किचन में जो है पता नहीं कोई है या नहीं है, देखते हैं कि किचन में कोई है या नहीं है। किचन में तो कोई नहीं है, बर्तन इकट्ठे किए हुए हैं, लगता है कि अब इसका धोने का प्लान बन रहा है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी। पोशाक चेंज कर लिया आपने? पोशाक? हाँ, हमारी बोली में ना सूट को जो है ना पोशाक कहते हैं, अगर कपड़े कोई पहन के आए वाह भाई वाह कहते हैं, आज तो नवी पोशाक जो है ना आपने चेंज कर ली है ना। हाँ जी। सही कह रहे हो ना, हमारे बारे बात भी ऐसा है। हाँ ये देखें जी पोशाक जो है ना चेंज कर लिया है, और अभी कहाँ जा रही हो? अभी ना बर्तन धुलाई करती हूँ, और बाद में ना रेसिपी बनाऊंगी। अभी बर्तन धुल, मुझे पता लग गया था कि मैंने कहा ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, तो लगता है ऐसे है कि बर्तन भी धुलाई करने वाले हो, बाद में रेसिपी बनाओगी, मगरब तो होने वाली है। क्या करें, काम और भी होता है, ये तो नहीं है कि रेसिपी का काम तो नहीं होता। ये बात तो आपकी 36 रुपए की है। हाँ जी बिल्कुल। सलाम कर दो सब बहन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, ठीक हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और बाकी घर वाले माशाल्लाह ठीक है। हमारे शाम का भी लोग जो का स्टार्ट भी लोग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच सके। हाँ जी, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और एंड तक भी देखें, और उसके बाद जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी न्यू आने वाली वीडियो जो है ना वो भी आप तक ऐसे टड़ों करके पहुंच जाएगी। हाँ जी। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है, ठीक है ना। और अभी जो है आप बर्तन धोने जा रही हैं, उसके बाद जो है ना आपने खाना पकाना है, तो क्या पकाओगे आज? ना दाल ही बनाएंगे। क्या दाल? हाँ जी। कौन सी?
वो ना धोती दाल, धोती दाल क्योंकि ये दालों जाई है ना हमारे लिए, तो वो खानी दूसरी दाल, दूसरी दाल पकाओ ना। दालें एक किस्म की थोड़ी है, तीन चार किस्म के आपके पास दाल पड़ी हुई है, तो कोई दूसरी दाल आज बना लो, क्योंकि चने वाली दाल बनाए तो काफी। आज दाल माश बना लो, चिट्टी दाल बना लो। चिट्टी दाल खाने का मूड है आज, चिट्टी दाल खाते हैं, चिट्टी दाल देखते हैं कि कैसी बनती है, ठीक है ना। आज आपने चिट्टी दाल बनानी है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी जल्दी जल्दी करें, फिर ये धोएं। और अम्मी नहीं है आज, अम्मी नहीं है, अबू भी नहीं है। अम्मी ना गई है बकरियों का चारा काटने, तो अबू भी उसके साथ है। अच्छा, दोनों इकट्ठे गए हुए हैं, माशाल्लाह जी। वो उठा के आएंगे ना घास, है ना। हाँ, क्योंकि अम्मी तो नहीं उठाती, तो अबू उठाते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, बिल्कुल। ओके, हो गया जी, सब बहन भाइयों से बाकी का भी लोग शेयर करेंगे, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। माशाल्लाह जी, मुनाहिल आ चुकी है। और मुनाहिल बेटा, तबीयत आपकी ठीक हो गई है? क्या खाया था? हाँ? कुछ नहीं खाया। ये क्या है? कखला नहीं खाते, कखला नहीं खाते। और उनैजा को देखो, वे हंस रही है। क्या खेल रही थी सोना पोत्र? खेल रही थी। वाह भाई वाह। और नाथ सुना दो, नाथ। हप्पी लप्पी चलला माफी कलबी आइवला ला इलाहा इल्लल्ला उने हमस लल्ला उने हमस हुवा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी नाथ पढ़ी है आपने, है ना। ओके, हो गया जी, आपने नाद सुनाई है। तो आप कहाँ जा रही हो? इसमें खेलन जा रही हो? वाह भाई वाह, इसमें खेल सकती हो? वाह भाई वाह। माशाल्लाह जी, अभी जो है ना बहर आ चुके हैं, और मैंने कहा बहर का माहौल जो है सब बहन भाइयों को दिखा दूं। और इधर देखें, मोहसिन भाई के घर के करीब बिल्कुल जो है ना तालाब बन गया है, वो अभी तक जो है ना रुका हुआ है, सैलाब बन गया है, सैलाब जैसे भर आता है ना ज़मीन से, तो ऐसा जो है ना काम हो गया है। और इधर देखें, शाम का टाइम कैसा जो है ना विलेज लग रहा है आपको, इस साइड से सूरज जो है ना ग़ुरूब हो रहा है, आप ये देखें। और इधर से गाड़ी आ रही है रोड से, और इस साइड से भी बाइक आ रही है, ये गाड़ी गई और ये गई। और अभी जो है ना हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जो है ना अभी टाइम बहुत कम रह गया है, देखते हैं कि बेगम साहिबा ने कुछ बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि आज जो है ना हम चिट्टी दाल बनाने वाले हैं, चिट्टी दाल। और आपको दिखाएंगे कि चिट्टी दाल जो है कैसे बनाई जाती है, और ज़िंदगी में पहली बार जो है ना चिट्टी दाल बना रहे हैं, और देखेंगे कि मैंने तो कभी नहीं बनाई है ना खाई है, तो अभी देखेंगे कि कैसे जो है ना चिट्टी दाल बनाते हैं। और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। माशाल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है किचन में पहुंच चुके हैं, और अभी जो है ना चिट्टी दाल बनाने का जो है ना वो काम शुरू हो गया है, और आपको दिखाते हैं कि चिट्टी दाल जो है ना कैसे बन रही है। और ये इमरान भाई का भी सामान आया हुआ है, आलू, और उसके बाद जो है ना ये क्या कहते हैं हरी मिर्चें और टमाटर। और इधर जो है हमारा सामान भी आ गया है, और उसके बाद जो है ना ये देखें चिट्टी दाल, जैसे मैंने कहा है ना कि आज हम बना रहे हैं चिट्टी दाल, ये देखें, बिल्कुल चिट्टी दाल ना हो तो पैसे वापस। ये आज पका रहे हैं, और बेगम साहब से पूछते हैं कि ये आपको पकाना आती है या नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक हो? हाँ जी। तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो आज ये आपका पहला जो है ना वो क्या कहते हैं तजर्बा है कि चिट्टी दाल कैसे बना रही हो आजकल, पता है या नहीं है? ये ना चिट्टी दाल का पता है मुझे, कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती। पता है? हाँ जी। कैसे बनती है ये ना? वैसे बनते जैसे वो दूसरी दाल बनाते। नहीं, ये ऐसे नहीं बनती, ये नहीं, और तरीके से बनते। मैं ना आज आपको पका के दिखा दूँ कि कैसे होती है। चलो ठीक है जी, सब बहन भाइयों ने अपने अपने तरीके जो है ना, जो जितने बनाने वाले हैं तो वो अपने तरीके बताना है कि ये चिट्टी दाल जो है ना, आप जो भी कहते हैं हम तो इसको चिट्टी दाल कहते हैं, और ये जैसे बनाते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ताकि हमें भी पता लग जाए कि ये कैसे बनती है, हर तरीके से जो है ना ये हम बना सकें, ठीक है ना। क्योंकि जिंदगी में हमने खाई भी नहीं है, पहली बार बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो इसी वजह से सब बहन भाइयों से पूछ रहे हैं। आज पकाती है बेगम साहिबा, देखते हैं कि कैसा बनाती है ना। हाँ जी, देखना, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। हाँ जी, अल्लाह करे अच्छी हो। और माशाल्लाह ये देगची भी आ चुकी है, और पानी वगैरह और मिसाले वगैरह सब कुछ जो है ना आ चुके हैं, और अभी तक जो है ना आग नहीं जल रही।
जल जाएगी आग? हाँ ये भी जल जाएगी। वो देखें जी आग भी जल गई है और अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वीडियो जो है ना आज की बड़ी जबरदस्त और VIP होने वाली है। हाँ जी। क्या लेके जा रही हो शुमला? मैं ना बच्चों का दूध लेके जा रही। किधर लेके जा रही हो? उस टोकरी में। बच्चे रो रहे हैं, आप टोकरी में रखने जा रही हो? क्योंकि हानिया को दिया है, वो पी रही है तो उनैदा वो रख रही है क्योंकि एक फीडर है ना। उनैदा को? उनैदा को दूंगी जब हानिया पी लेगी। अच्छा वो रो रही है, वो देखो आ गई है, रो रही है ये रो रही है। वो उठा के खराब फीडर ले आई है, वो कहती है मुझे भी दो, इसको भी दूध दो ना, इसको भी दूध दो ना, दूध दो, मिनट लगाओ दूध देने में। हाँ जी। और ये देखें जी चंदा मामू जो है वो आ चुका है इस बेर के करीब। ये देखें कैसी रोशनाई करके आ रहा है। किचन में जो है ना पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि हमारी चिट्टी दाल जो है ना, क्योंकि अभी दूध लेने गया था ना तो इसी वजह से मैंने नहीं देखा कि चिट्टी दाल जो है कहाँ तक पहुँची है। अभी देखें धुआं सा धुआं लग रहा है और अभी लगता है पानी इसमें खड़ा हुआ है, क्योंकि इस टाइम को जो है ना जाते हैं दूध लेने बच्चों के लिए वो सिस्टर के घर और उनसे दूध लेते हैं और इसी वजह से जो है ना अभी दाल बन रही है लगता है, क्योंकि लेट पकाई है ना तो अभी तक जो है ना नहीं बनी। और बारिश की वजह से ये देखें ये मच्छर भी निकल आए हैं, पोपटी जिसको कहते हैं छोटे छोटे, और काफ़ी सारा जो है ना इन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। तो माशाल्लाह जी आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त और VIP होने वाली है। गर्मी हो गई है इसी वजह से पंखा चला दिया है। वाह भाई वाह। तो ये हानिया क्या पी रही है? दूध पी रही है। वाह भाई वाह। इसको दूध पिला रही हो? उनैदा को दूध नहीं पिलाया? उनको पिलाओगी दूध? सही है। मनाहल ने नहीं पीता? मनाहल रोटी खाती, रोटी। मनाहल खाना खाएगी? मैं के बाड़ी पाण में जाकर मैं मधु लाल खा। क्या कह रही है? मैं मधु लाल रोटी खाते हूं। मधु के साथ आपने खाया है रोटी? वाह जी वाह। माशाल्लाह जी चलते हैं देखते हैं कि बेगम साहिबा जो है ना, अंधेरा भी काफी हो चुका है और अभी तक जो है ना क्या कर रही है। ये देखें हमने ये बल्ब भी जलाया हुआ है और ये देखें जी कमरे का माहौल। और इधर जो है ना बेगम साहिबा खड़ी हुई है, लगता है कि उनैदा को कपड़े पहना रही है। कपड़े पहना रही हो उनैदा को? जी। सोना पुत्र कपड़े पा रहा है? वाह भाई वाह। कपड़े पा के फिर क्या करोगे? फिर दूध पीवोगे? वाह मेरे पुत्र। दवाई पीवोगे? दूध नहीं पीना, इसने पहले दवाई पीनी है। हाँ क्योंकि पहले ना दवाई है इसलिए। पहले दवाई बाद में दूध। चुप चुप सोना पुत्र, आपको मिठा बू पिलाते हैं, मिठा बू दवाई पिला के फिर इनको। सोना वो मिठा बू पींदे हो? वो मिठा बू पींदे हो? हाँ जी। ये आ गया ये दवाइयाँ। महीने की दवाई तो खत्म होने लगी है ना? हाँ बस थोड़ी सी बची। कितने दिन की बची हुई है? दवाई लेनी है ना इनकी? फिर इसके ना 15 दिन रह गए। 15 दिन? 15 दिन बाद इनकी दवाई लेनी है ना? फिर 3 माह का कोर्स बताया है, वो इंशाल्लाह फुर्सत होगी तो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। इसको दवाई पिला दो ठीक है ना, और बड़े अच्छे तरीके के दवाई पिला दो। माशाल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, हमारी दाल जो है ना वो चिट्टी दाल जो हमने बनाई थी वो बन चुकी है माशाल्लाह। अभी जो है ना इनको खा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, और रोटियां भी आ गई हैं। और एक काम जो है ना फिर हो गया है, इसमें बाद में हमें पता चला है कि इसमें जो है ना वो दाल मंधिया जो मारते हैं वो इसमें मार दिया है बेगम साहिबा ने, लेकिन वो मारना नहीं था क्योंकि ऐसे जो है ना ज़बरदस्त और VIP बननी थी। तो फिर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है और अच्छी बनी हुई है, और ऐसी जो दाल हम बनाते थे उनसे ज़्यादा अच्छी माशाल्लाह लग रही है। और जिस बहन भाई ने खाना वो हमारे साथ खा सकता है। और यहाँ पे हमारा व्लॉग भी मुकम्मल हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देने। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।